गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों शुभ प्रभात। कक्षा 10 की मैथ हमारी चल रही थी और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी के चैप्टर में हमने आपको समांतर श्रेणी से में काम में आने वाली टर्म्स बताई थी। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवा पद ए एन और पदों की संख्या एन, पदों का योग एस एन, इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं हुआ है, यह आगे आएगा। 5.2 प्रश्नावली अपनी चल रही थी और 5.2 प्रश्नावली में केवल मात्र एक ही सूत्र काम आया था और वो सूत्र का अपना और वो मुख्य रूप से सूत्र था अपना एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ये हमारा एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र यह। कल हमने प्रश्नावली 5.2 के पांच छह सवाल किए थे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 5.2 को कंप्लीट करने का टारगेट लेकर आए हैं। 5.2 कंप्लीट करेंगे आज। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में भी आ चुका कि तीन अंकों की कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती है या सात के गुणज ये भी कह सकते हैं। तो तीन अंकों की कितनी संख्याएं सात के गुणज है या सात से विभाज्य है, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसी टाइप के सवालों में क्या हो सकता है, चार से भी हो सकता है। तीन अंकों की कितनी संख्या है चार से विभाज्य है या चार के गुणज है, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर चाहे सात से पूछ ले, चार से पूछे, तीन से पूछे, पांच से पूछे, हमारे हर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि तीन अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है। देखिए बहुत प्राइम मतलब बेसिक लेवल से चालू कर रहे हैं। तीन अंकों की कौन कौन सी संख्याएं होती है, तीन अंकों की संख्याएं जो हमारी संख्याएं हैं वो शुरू होती है 100 से। कहां से शुरू होती है, 100 से। 100, 101, 102 और 999 तक पूरी गिनती में ये संख्याएं ऐसी हैं जो तीन अंकों की है, राइट। इनमें सात से विभाज्य होने वाली संख्याएं, सात से विभाज्य या विभाजित होने वाली संख्याएं जो पूर्ण रूप में सात से विभाज्य हो जाए, जिसमें सात का भाग चला जाए, तो पहली संख्या कौन सी आएगी बोलो, 105। 105 में सात का पूरा भाग जाता है। 105 तीन अंकों की पहली संख्या है जिसमें सात का पूरा भाग जाता है। अगली संख्या कौन सी आएगी, निश्चित रूप से 112, फिर कौन सी आएगी, 119 और अंतिम संख्या कौन सी आएगी, ये ज्ञात करने के लिए देखिए ऐसे निकालते हैं इसको। सात का भाग देखो 7 × 7, 7 × 4 = 28। अगर यहां 9 की जगह 4 होता तो पूरा भाग चला जाता, इसका मतलब 994 वो अंक है जिसमें कि सात का पूरा भाग जाता है, ठीक। 7 × 7 2, 7 × 28, 7 × 14। अब देखिए सात से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं,
तीन अंकों की सात से विभाज्य संख्याओं की समांतर श्रेणी, तीन अंकों की संख्याओं की समांतर श्रेणी जो कि सात से विभाज्य है। तो पहला प्रथम पद क्या है आपका, ए 105, सार्वंतर डी, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बार बार बोला है मैंने, 112 में से 105 घटाइए, A2 में से A1 को घटाया, निश्चित रूप से सात आएगा। अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, अंतिम पद, इसको एन भी बोलते हैं, एन एनवा पद भी दे रखा है, 994 या हमें ज्ञात करना, और ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं हैं, एन हमें ज्ञात करना है, सूत्र आप वही लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 994 बराबर, प्रथम पद क्या है हमारा 105, एन हमें ज्ञात करना है और डी है हमारा 7, हल करें, 994, 105, 7 एन माइनस 7, 994, 994, 105 में से 7 गए तो बचे 98 प्लस 7 है। अब आप पक्षांतरण की क्रिया को, जरूरी नहीं है कि LHS में आप अचर पद लाएं, RHS में आप LHS में आप चर पद लाएं, RHS में अचर पद लाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप इसको इधर भी रख सकते हैं, पर अगर पक्षांतरण ही करना है तो इसका चिन्ह फिर माइनस हो जाएगा, पक्षांतरण सावधानी से करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, 994 माइनस 98, 98 को उधर देगा, अचर पद को उधर देगा, बराबर 7 है। ऐसा करने का क्या फायदा हुआ कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक, गलती होने की संभावना कम रहती है इस प्रकार के पक्षांतरण में। तो देखिए यह आएगा 7n यानी कि 896, ये तो आएगा 896 बराबर 7n, और अब आप निकाल सकते हैं n बराबर 896 में 7 का भाग दे दे, 7 एकम 7 एक, 7 दुनी 14, 7 8 56, 128 संख्याएं ऐसी हैं जो तीन अंकों की है और 7 से विभाज्य है। ये हमारा उत्तर है, तीन अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 128 है, यही हमारा उत्तर है। अब दूसरे प्रकार के सवाल में चलते हैं, इसमें सूत्र तो एक ही है निश्चित रूप से, लेकिन देखो इसमें सवाल कई तरह के बन रहे हैं। क्या क्या सवाल बने, समांतर श्रेणी का एनवा पद पूछा, फिर क्या बोला हमसे कि ये संख्या कोई अमुक संख्या चाहे शून्य ही है इस श्रेणी का पद है या नहीं है, यह भी हमसे पूछा। फिर क्या दिया, एक इक्वेशन बना के दिया कि छठा पद चौथे पद से 12 अधिक है, इस तरह से हमें इक्वेशन बढ़ा करके दी। तो हमने ए और डी निकाला दो समीकरणों से, और फिर हमने समांतर श्रेणी ज्ञात की। इसके अलावा तीन अंकों की संख्या वाला ये जो प्रश्न है ये हमें पूछा है, ऐसे ही आपसे कह सकता है कि दो अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाजित है, तो दो अंकों की 4 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, 12, ठीक, और अंतिम संख्या ज्ञात करके टोटल है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। दो अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, कहां तक होती है 99 तक, पहली संख्या कौन सी हुई 12, सार्वंतर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 12 16 20, इस तरह से सीरीज बनती जाएगी, और अंतिम पद क्या होगा 98। चार दुनी 8 और 4 चौक 16, 96 हो जाएगा अंतिम पद। तो इस तरह से आप फिर निश्चित एन का मान रख देंगे, और एन का मान रख करके आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है।
तीन अंकों की पूछे तो तीन अंकों की संख्या है 100 से 999 तक। चार से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी? 104। और अंतिम संख्या निकाल करके सार्वंतर हमारा रहेगा चार। हम तीन अंकों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि तीन अंकों की कितनी संख्या चार से विभाजित है। अब अगला प्रश्न करने से पहले अगले प्रश्न का प्रकार मैं आपको समझाऊं, पहले प्रश्न लिख देता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं। एक समांतर श्रेणी दी हुई है आपको, यह प्रश्न संख्या है आपकी 9, 8 सॉरी, प्रश्न संख्या है 8, 1, 4, 7, 10, 88 तक है। लास्ट टर्म में अंतिम पद है 88 में, अंतिम से 12वां पद क्या होगा? इसे एपी का अंतिम से 12वां पद आपको ज्ञात करना है। अंतिम से 12वां पद क्या होगा यह आपको निकालना है, लास्ट से 12वां पद। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कितनी उंगलियां हैं? 5। यहां से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 राइट। पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4 और पांचवा पद 5। अंतिम से दूसरा यानी कि प्रारंभ से कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4। ऐसा क्यों हुआ? अंतिम से दूसरा प्रारंभ से चौथा क्यों हुआ जबकि उंगली तो 5 ही है? क्योंकि प्रारंभ से गिनने पर आने वाला अंतिम पद श्रेणी का क्रम उलटने पर, श्रेणी का क्रम पलटने पर, यानी कि हम अवरुद्ध से चल रहे, पहला पद बन जाता है। दोबारा देखिए, ये 5 उंगलियां है, प्रारंभ से इसका नंबर है 3रा, तो और अंत से कौन सा है? 1, 2, 3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अंतिम पद आया था क्रम बदलने पर वही पहला पद बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ए बराबर क्या है? 1। डी बराबर क्या हुआ? 4-1 बोले तो 3। अंतिम पद ए एन क्या हुआ? 88। और ए एन का सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। और हमें ज्ञात क्या करना है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो ये देखते हो, अंतिम से पद तो बाद में निकालेंगे। तो देखिए, 88 बराबर 1 + n − 1 × 3। 88 बराबर 1 + 3n − 3। 88 बराबर 3n − 2। और पक्षांतरण करेंगे तो 88 + 2 = 3n। ये हमने कर दिया है पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर क्या आया? n बराबर आ जाएगा 30, यानी कि इस श्रेणी में पदों की संख्या 30 है, n बराबर 30। तो अंतिम से इधर से चलेंगे, अंतिम पद पहला पद बनेगा, अंतिम से 12वां पद होगा। इसका सूत्र होता है, सूत्र का आप वैसे याद करें कि कुल पदों में से 30 में से जो पद निकालना है अंतिम से वो घटाइए और एक जोड़ दीजिए, तो ये आएगा प्रारंभ से 19वां पद। समझ में आया? एक क्यों जोड़ा? एक इसलिए जोड़ा प्रारंभ से 1, 2, 3, 4 प्रारंभ से चौथा पद, अंतिम से कौन सा हुआ? दूसरा। मेरे हाथ में तो 5 उंगली है, तो प्रारंभ से चौथा अंतिम से दूसरा क्यों हुआ? क्योंकि प्रारंभ से गिनने पर बनने वाला अंतिम पद ही श्रेणी का क्रम बदलने पर प्रथम पद बन जाता है, इसलिए ये प्लस 1 है।
इसका वैसे सूत्र में होता है, सूत्र में आप गलती नहीं कर दे, इसलिए एन माइनस एन माइनस वन ये सूत्र भी होता है, लेकिन इसे आप यूज नहीं करें, डायरेक्ट ऐसे यूज करें तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। अब आपको इस श्रेणी का 19वां पद निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 19वां पद ज्ञात करना है, ए 19 बराबर होता है ए प्लस 18d, और ए क्या है अपना एक, और 18 इंटू डी 3, 18 × 54 अर्थात 55। तो यह 55 हुआ प्रारंभ से, तो 19वां पद अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 12वां पद और प्रारंभ से 19वां पद। इसका सेकंड मेथड द्वितीय विधि जो कि बहुत आसान है, मैं आसान विधि आपको बाद में कराया करूंगा, पहले डिफिकल्ट मेथड कराऊंगा। अंतिम से जब भी पद पूछा जाएगा सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे, और पदों की संख्या निकाल करके प्रारंभ से बनने वाला पद निकाल लेंगे। ये तो हुआ डिफिकल्ट मेथड। आसान मेथड क्या है, आप अंतिम यानी कि ट्रेन में गार्ड की तरफ से चल रहे, इंजन की तरफ से नहीं, तो आप क्या है क्रम बदल दो, क्या करेंगे श्रेणी का क्रम बदल दो। तो आप लिखेंगे द्वितीय विधि में दी गई श्रेणी का क्रम बदलने पर, जब हमारी दिशा विपरीत होगी तो क्या होगा, सार्वंतर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, सार्वंतर धनात्मक है तो ऋणात्मक बन जाएगा, और पहले ऋणात्मक था तो अब धनात्मक हो जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, एपी मिली आपको 88, हमारा सार्वंतर क्या था 3 था, अब हो जाएगा -3, 88 में से 3 गए तो ए प्लस डी होता है ना 85, 82 एंड सोन, और ये लास्ट पद आ जाएगा 1। अब आप सीधा 12वां पद निकाल सकते हैं क्योंकि अंतिम पद पहला पद बन गया है। तो 12वां पद सूत्र जरूर लिखेंगे, ये वाला एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला सूत्र जरूर लिखेंगे। 12वां पद अर्थात ए 12 बराबर ए प्लस 11d, 88 प्लस 11 माइनस 3, 88 माइनस 33 बराबर 55। उत्तर वही आएगा, आप मेथड कोई सा भी अडॉप्ट करें। इस मेथड में सावधानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सार्वंतर का चिन्ह बदलना है, बस केवल इतना सा ध्यान रखना है। और पहले वाले मेथड में सीधे सीधे चलो, पहले तो ये देखो कि कितने इसमें टर्म्स हैं, कितने पद हैं, वो हमने निकाल लिए 30, और प्रारंभ से कौन सा नंबर होगा उस पद का जो कि से 12वां है, तो उसके लिए टोटल पद में से 12 घटाकर 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा प्रारंभ से 19वां पद। क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का वो इस प्रकार है कि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, क्या दिया हुआ है आपको पदों की संख्या n बराबर 60, प्रथम पद 7 है a इज इक्वल टू 7, अंतिम पद 125 है an बराबर 125 यानी कि n पद, अंतिम पद यही होगा निश्चित रूप से। तो 32वां पद ज्ञात करो, आपको ज्ञात करना है 32वां पद, यह आपको ज्ञात करना है। प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 125 है, तो बताइए 32वां पद क्या होगा। आपसे पद पूछे, आपसे समांतर श्रेणी पूछे, आपके पास ए और डी होगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए ए बराबर 7, 60 पद है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। तो 60वां पद का सूत्र क्या हो गया, ए 60 बराबर हो जाएगा
सात प्लस साठ माइनस एट इंटू डी हमें निकालना है, और साठवां पद हमें दिया हुआ है, यानी कि एनवा पद हमें दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है 125। इस सूत्र की सहायता से और एक मान की सहायता से हम लोग डी निकालेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो 125 माइनस 7 बराबर 59 डी, तो डी बराबर क्या आया 118 बटा 59 यानी कि 2, डी का मान आया 2। ठीक, आपको अब ज्ञात करना है 32वां पद। 32वां पद क्या होता है, सूत्र से निकाले या डायरेक्ट लिखते, ए 32 इज इक्वल टू ए प्लस 31 डी। ए क्या है 7, 31 इंटू 2 7 प्लस 62 बराबर 69। तो आप लिखेंगे इस एपी का 32वां पद 69 है, यही आंसर है। और आज का अंतिम सवाल बढ़िया सवाल है, और इस सवाल के लिए सोल्ड एग्जाम्पल सॉरी सारांश में कुछ हिंट दिए हुए हैं, लेकिन मेरा मानना क्या है कि यदि आप उसको ट्रिक बेसिस से करते हैं, सुगमता की दृष्टि से यदि आप किसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या है कि आप पदों को मानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे। इसलिए बड़ा सीधा सरल और सच्चा तरीका रखिए, वो ये है कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, आपको यह दिया गया है कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में दिए हैं, चार संख्याएं एपी में है, बनाइए इसकी एपी। माना प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, तो ए वन बराबर क्या हुआ, इस जो चार पदों की एपी है इसका ए वन क्या होगा ए, ए टू बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, और चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस तीन डी। तो इस प्रकार जो हमारी एपी बनी वो बनी ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। अब इस प्रश्न में हमें दो वो दे रखी है कंडीशंस, दो स्थितियां दे रखी है। प्रथम स्थिति या प्रथम शर्त, इनका योग चारों पदों का योग 50 है, तो ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी बराबर 50। सभी चरों को, सजातीय चरों को इकट्ठा करो, तो एक दो तीन चार क्या आएगा, चार ए प्लस तीन और तीन छह डी बराबर 50। और इस समीकरण का सरलतम रूप लिखो, दो का भाग जा रहा है ना, तो दो ए प्लस तीन डी बराबर 25। ब्रैकेट में संक्रिया लिखेंगे, दो का भाग देने पर, इसको बोलते हैं सरलतम रूप, ये हमने आपको आठवीं में बताया क्या कहलाएगा, ये सरलतम रूप, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर एक। दूसरी कंडीशन, प्रश्न में हमें दूसरी शर्त दी हुई है, द्वितीय शर्त, इसको आप सबसे छोटा मान लेंगे, माना ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा पद है, और निश्चित रूप से फिर ये सबसे बड़ा पद होगा, माना ये सबसे बड़ा पद है, हम ये मान के चल रहे हैं डी धनात्मक है, सबसे बड़ा पद है, और आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने डी को धनात्मक माना है, जब डी धनात्मक है तो निश्चित रूप से ये सबसे छोटा पद होगा और ये सबसे बड़ा पद होगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि यदि डी का मान माइनस में हो
तो फिर सबसे छोटा पद और सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? इसलिए हमें डिफाइन करना जरूरी है कि ये हमने सबसे छोटा लिया है और ये सबसे बड़ा लिया है, या डी धनात्मक संख्या है। दोनों में से एक बात लिखना अनिवार्य है, या तो ये लिखे या ये लिख दे कि डी एक धनात्मक संख्या है। तो दूसरी शर्त हमें दी गई है कि सबसे बड़ा पद, द्वितीय शर्त क्या दी गई है, सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का चार गुना है। सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का, या सबसे छोटी संख्या का चार गुना है। तो क्या हो जाएगा, इससे हल करेंगे तो पक्षांतरण करने पर 3d बराबर 3a, ये मैंने किया है पक्षांतरण। हल कीजिए, यह आ जाएगा d बराबर a, a और d बराबर है, तीन से तीन कटेगा, ठीक, a और d बराबर है। अब कह रहा है वो संख्याएं क्या थे, तो समीकरण एक में d या a का मान प्रतिस्थापित कर दें। तो आप लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, d का मान समीकरण एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, एक ही बात है। समीकरण एक अपनी यह है, 2a प्लस 3d, d की जगह क्या लिखूंगा, a बराबर 25। पहले समीकरण लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कोई, यह हमारी समीकरण एक थी, इसमें आप मान रख दो 2a प्लस 3a बराबर 25, यानी कि 5a बराबर 25, अर्थात a बराबर 25 बटे 5, 5। a का मान क्या आया, 5, इसलिए d भी क्या होगा, 5। समीकरण दो से, समीकरण दो से डी का मान नहीं होगा। अब वो चार पद क्या हुए, अतः एपी के चार पद क्या क्या हुए, ए यानी कि 5, ए प्लस डी, 5 प्लस 5 बराबर 10, ए प्लस 2d, 5 प्लस 2 गुणा 5 अर्थात 15, और a प्लस 3d, 5 प्लस 3 गुणा 5 यानी कि 20। उत्तर कैसे लिखेंगे, अतः दी गई चारों संख्याएं जो एपी में है, एपी में है, कौन कौन सी हुई, 5, 10, 15, 20। Now it is over for today. आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी और कल नई प्रश्नावली चालू करेंगे जिसमें हम समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।